हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग वेरी बॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज जनरल डिस्कशन वे विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द प्रिपरेशन रोड मैप फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द साइकिल यूजीसी नेट 2024 हां जी ये एवरीवन यू ऑल आर वेरी मच अवेयर सब लोग बहुत अच्छे से यू नेट पेपर के बारे में बेसिक फीचर्स बेसिक पॉइंट्स को जानते हैं यू ऑल नो दैट यू नेट इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई एन टेस्टिंग एजेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ यू यूनिवर्सिटी ग्रांड Commission in India, and it is one of a challenging paper. It is one of a prestigious paper for all those candidates who aspire to become assistant professor or who want to uh, seek a junior research fellowship in various universities and institutions across the country, India. And yes we all have gone through we all have seen a number of preparation strategies to crack the paper in first attempt yes so to crack the ugc net examination the candidates need to have well-planned preparation strategy so what can be that preparation roadmap that I'm going to discuss in today's discussion hearty welcome to all of you but before we proceed with any of the discussion kindly mark your attendance press the button like everyone like present mark

एंड ऑल्सो सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी पता लगे कि हाउ दे कैन प्रिपेयर वेल फॉर द यू जी सी नेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पेपर सो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे हम बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स uh, के बारे में बात करेंगे है ना सो so, अभी आई थिंक यू मस्ट हैदर सेशन ऑल्सो बहुत लोगों ने बहुत सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करी है अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटी हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर यू जी सी नेट पेपर बट ट्रस्ट मी ऑल द टिप्स विच यू हैव रिसिव दे आर डेफिनेटली द यूजफुल टिप्स हम जो भी बातें करते बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस हम जनरल टॉपिक्स लेते रहते हैं जिनमें हम प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो ये सारी प्रिपरेशन टिप्स जो हैं दे आर डेफिनेटली द यूजफुल टिप्स विच कैन हेल्प यू टू क्वालिफाई द पेपर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माय सेल्फ आई एम पुनीत कौर यू कैन नो मी पुनीत कौर क्वालिफाइड यू जी कंप्यूटर साइंस एंड येस आई एम वर्किंग सिंस एट प्लस ईयर्स हेल्पिंग यू नेट कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई द पेपर टेड अबाउट सेवेंटी थाउजेंड प्लस स्टूडेंट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन सो वॉट आर द वीक एरियाज एज पर माई एक्सपीरियंस एज पर माई ओपिनियन अबाउट दिस एग्जामिनेशन वॉट आर द एरियाज एरियाज वेयर वी आर लैकिंग सो फॉर द एरियाज वेयर स्टूडेंट आर लैकिंग आर इम्पॉर्टेंट टू नोट बिकॉज अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले बच्चे हमें ये जानना है कि कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमें पुल बैक कर रही है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम लोग फेल हो रहे थे Abhi tuk, right so the things which are word the reason to fail are these eight parameters these are the eight parameters which due to which you might not be able to clear the paper or these are the reasons where you are lacking so might be you're not having a proper plan yes then can be one reason hum planning children here that means it requires a proper strategy yes

तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करते हैं सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल yes, so कि जो भी आप लोग स्टडी करते हो हमारे बैचेस में हमारी क्लासेस में आप सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए आई मीन वॉट एवर टाइम ड्यूरेशन यू फाइंड एज पर योर डेली स्केड्यूल है उसके हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए आप सेल्फ स्टडी को बिल्कुल इग्नोर मत करें ताकि आपका जो पेपर क्वालिफाई होने से ना रहे ओके

नहीं करते है ना उनका रिजल्ट उनको खुद दिख जाता है पेपर के अंदर तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So, है एक तो ही चीज को पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिया इज ऑफ नो यूज इट्स इंपॉर्टेंट उसको रिविजन के अंदर लेके आए ठीक है ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली टेलस अब उ द पैटर्न किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ रहा है

आई एम नॉट कि सब लोग किसी एक पॉइंट के ऊपर सबके सारे ही पॉइंट गलत होंगे हो सकता है कहीं कोई किसी एक पॉइंट में आप लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था तो जी इन पॉइंटर्स के ऊपर वर्क कीजिए ताकि आपका पेपर क्वालिफाई हो सके एंड यस द प्रिपरेशन ट्रिप्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एवरी वन द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स ट्रस्ट मी जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दे ऑल विल हेल्प यू टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन सो येस फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो वॉट टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता यस yes, तो सबसे पहला पॉइंट है अपना सिलेबस देखिए टू पेपर वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दैट टॉपिक है ना अ पर्टिकुलर टॉपिक इसमें आपकी थोड़ी सी पैटर्न को देखने के लिए आपकी थोड़ी सी रिसर्च लगेगी बट ट्रस्ट कीजिए जब आप उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आए तो आप इस पर रिसर्च कीजिए आप यूनिट वाइज इसको सॉर्ट कीजिए है ना कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आए प्लस कौन से यूनिट में कौन किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं सो so, आपको उस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वहीं पे पता लग जाएंगे ठीक है सो so, पैटर्न को समझेंगे यू हैव टू डू लिटिल रिसर्च वर्क यू हैव टू डॉक्यूमेंट प्रॉपरली फ्रॉम व्हाट यूनिट व्हाट आर द टॉपिक्स कमिंग व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी आस्ट इन द पेपर सो पहली चीज तो जिस भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं पहला काम तो ये कीजिए अपना सिलेबस देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए उस पर रिसर्च कीजिए थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहीं से फाइंड आउट करें थोड़ा सा पैटर्न को समझने की कोशिश करें ठीक है

एंड ट्रस्ट मी वांस यू कवर ऑल दिस पार्ट जब आप देख लोगे की पैटर्न क्या है पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करोगे अच्छे से समझोगे इन डेप्थ इसकी स्टडी करोगे तो ट्रस्ट मी दिस विल इनक्रीज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा खुद ब खुद कि आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो है ना तो वो जो एनर्जी आपको मिलेगी वो हेल्प करेगी आपके रेस्ट ऑफ द टाइम प्रिपरेशन करने के लिए सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप समझते हो तो आपको ये भी पता लगता है कि आपको कैसे मैनेज करना है मल्टीपल यूनिट्स के बीच में बिकॉज क्विकली क्वेश्चन एक से दूसरे यूनिट पर स्विच हो जाता है ना तो आपने कैसे उसके बीच में मैनेजमेंट करनी पूरे क्वेश्चन पेपर को कवर करना है उसी ड्यूरेशन के अंदर विदाउट लीविंग मैनेजमेंट भी बहुत क्रूशियल पैरामीटर है मैनेजमेंट के रिलेटेड आप टाइम मैनेजमेंट की बात भी कर सकते हो यू हैव टू मैनेज द टाइम इन द क्वेश्चन पेपर ये बिकॉज ड्यूरेशन आपको तीन घंटे ही मिलेगी पूरे पेपर की so उसके अंदर उसके अंदर आपको कैसे मैनेज करना है ये आपने चेक करना है ठीक है ओके अलोंग विथ दिस यू शुड ऑल्सो सेट योर स्मार्ट स्टडी प्लान नो व्हाई एम आई यूजिंग हियर स्मार्ट स्टडी प्लान बिकॉज स्मार्ट स्टडी प्लान डज नॉट वांट यू टू डेडिकेटेडली सेट थ्रू आउट द डे

राइट सो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए अपनी कन्वीनियंस देखिए कि आप कब टाइम को सेट कर सकते हैं कब आप क्लास ले सकते हैं कब आप अपना जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं किस टाइम पे आप रिविजन कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी बोला आपको स्टडी भी करना है है ना आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है आपने कंटेंट को रिवाइज भी करना है ठीक है सिर्फ स्टडी करके रखने से कुछ नहीं होगा आपको रिवीजन भी करनी है आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है ठीक है है अभी आप आपको अपने हिसाब से स्मार्ट स्टडी प्लान प्रिपेयर करना है कि किस टाइम पे आप डिवोटेडली स्टडी कर सकते हैं जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए किस टाइम पे आप रिविजन कर सकते हैं किस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है ऑल्सो एज ए सेट बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हम लोग सोशल मीडिया पे लेते हैं फॉर पेपर वन एंड पेपर टू सो ये सोशल मीडिया के सेशंस को भी आप कब देख सकते हैं तो आपको अपने स्मार्ट स्टडी प्लान को अकॉर्डिंगली अरेंज करना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन पर्सन टू पर्सन आप जैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज करना चाहें आप उसे अरेंज कर सकते हैं ऑल्सो एवरी इफ रिक्वायर्ड यू कैन ज्वाइन द क्लासरूम प्रोग्राम आप पेड बैचेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है अगर आपको लगता है कुछ नहीं आता है आप ब्लैंक है आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं खुद से या फिर देर कैन बी अदर फैक्टर्स एज वेल यू आर ऑक्यूपाइड सो मच ऑफ टाइम राइड सो मच ऑफ सेल्फ स्टडी ड्यूरेशन सो इन दैट केस यू कैन ज्वाइन क्लासरूम प्रोग्राम ऑल्सो बट दैट टू इफ रिक्वायर्ड ठीक है जरूरत है तो आप क्लासरूम प्रोग्राम की ले सकते हैं ऑल्सो बच्चे प्लीज मेजर योर डेली इफेक्टिव स्टडी आर सी इट शुड बी कॉन्सिस्टेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने दो घंटे की पढ़ाई करी राइट मान लीजिए आज आप दो घंटे पढ़े अब कल आप पढ़े ही नहीं राइट सो दिस नॉट वर्क आपको अपना डेली इफेक्टिव स्टडी आर जो है वो मेजर करना पड़ेगा कि ऑन रेगुलर बेसिस हैं आप रिवाइज भी कर रहे हैं कॉन्टेंट को आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं है ना सो आपको अपना इफेक्टिव स्टडी प्लान जो है कितने घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आपको मेजर करना पड़ेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट कंसिस्टेंट इसको कंसिस्टेंट रखें ये नहीं कि आज आप कुछ ज्यादा पढ़ लिए कल आप कुछ कम पढ़े नो आई वुड सजेस्ट यू आई वुड रिकमेंड यू टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी बिकॉज कंसिस्टेंसी थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन जर्नी इज वेरी यूजफुल ओके ऑल्सो बच्चे यू कैन अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस हाँ ना तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं सो प्रैक्टिस इज वेरी इसेंशियल

स्ट्रॉग एरिया जो है उनको तो आप रिवाइज करते रहिए राइट कीप रिवाइजिंग द स्ट्रॉ एरियाज राइट बट ऑन वीक एरियाज दीज आर द एरियाज वे यू हैव टू वर्क यहां पर आपको काम करना पड़ेगा राइट सो वीक एरिया आप प्रिपेयर कीजिए ट्राई सर्चिंग आउट कौन से पार्ट हमारे वीक है एंड हाउ विल विल यू एनालाइज दिस दिस विनालाइज कम आउट विद द रिसर्च जब आप पेपर की रिसर्च करेंगे जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पेपर के पैटर्न को चेक कीजिए पेपर चेक कीजिए आपको खुद अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो तो जब आप रिसर्च करोगे है ना आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे कि आप किधर स्टैंड करते हो तो अपने वीक एरिया पे वर्क कीजिए because that is. वेरी इम्पॉर्टेंट टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन जब तक आप अपने जो है चीजों को परफेक्ट नहीं करते हैं जो जो चीजें इम्पॉर्टेंट पेपर में आ रही हैं अगर आप उसे भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और डेफिनेटली तो हमारे जो क्लियरेंस का स्कोप है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है ऑल्सो यू कैन मेक शॉर्टकट यू कैन मेक शॉर्ट ट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई वुडेस्ट यू सी सम स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज हैव अ आई मीन ओपिनियन और दे आर इन अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स है ना बट मेरा सजेशन क्या होगा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। डू नॉट मेक नोट्स, बड़े 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 नोट्स आपको नहीं बनाने हैं तो आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखिए वन वर्ड में लिखिए वन सेंटेंस में लिखिए एंड ट्राई ऐसी जगह पे रखें कि आप उसे कॉन्टिन्यूसली रिवाइज कर पाए आपने देखा कई बार हम प्रिपरेशन करते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं वॉल पे पेस्ट कर लेते हैं या फिर अपने सामने रख लेते हो दिस इज वेरी गुड अप्रोच टू टू स्टडी एनीथिंग बिकॉज जो चीज आपके सामने रहती है फॉर्मुलाज हो गए है ना कोई ट्रिक्स हो गई तो आपके माइंड में स्टिक हो जाती है जब वो स्टिक हो जाती है तो आपको उसको बार 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 उतना टाइम देकर रिवाइज नहीं करना पड़ता है ना सो मेक शॉर्ट नोट्स दैट वुड रियली हेल्प यू टू रिवाइज एट एंड ऑल्सो जब पेपर नजदीक आएगा समय कम होगा तब भी आपको रिविजन के लिए बहुत हेल्प होगी अगर आपके पास Yes सिर्फ तीन घंटे वन पेपर टू मतलब डेढ़ सौ क्वेश्चन करने के लिए आपके पास सिर्फ तीन घंटे का टाइम है ठीक है तो अब इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज करें एंड स्पीड कैसे बढ़ेगी बच्चे स्पीड विल एंड एक्यूरेसी दे बोथ पैरामीटर्स विल वर्क विद प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपका एक्यूरेसी लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस एवरीवन एज आई सेड सेल्फ स्टडी रिविजन एंड प्रैक्टिस दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट मंत्र सेल्फ स्टडीज रिविजन एंड प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी कीजिए रिवाइज कीजिए प्रैक्टिस कीजिए ऑन रेगुलर बेसिस ये थ्री इंपॉर्टेंट मंत्राज हैं किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए नोट कर लीजिए मेरे पार्ट को रिविजन करना और प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए तीन मंत्र हैं ये यस yes? तो इम्पॉर्टेंट है रिवाइज करें रेगुलर बेसिस पे बिकॉज पता है क्या होता है जब आप रिवाइज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है उस टॉपिक को लेके अब अगर आप रेगुलर रिवाइज करते रहोगे ना बच्चे फिर एक टाइम ऐसा आएगा जैसे एक आपको पहले इनिशियली रिवाइज करने में पंद्रह मिनट लग रहे हैं फिर वो टाइम ड्यूरेशन जस्ट आपका वन मिनट पे रिड्यूस हो जाएगा समझ रहे हो तो वो आपका टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा ग्रेजुअली आपका रिविजन का ड्यूरेशन कम होता जाएगा इसीलिए रिविजन ऑन रेगुलर बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड

कंप्लीट डेली रूटीन यू कैन डिवोट योर टाइमिंग एज आई सेड अर्लियर मैंने पहले भी बोला एक छोटी सी टिप मैं दे सकती हूँ कि अपना डेली रूटीन कैसा बना सकते हैं सो यू कैन डिवोट टू आवर्स टू पेपर वन थ्री आर्स टू पेपर टू राइट और वन आर आप स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग को दे सकते हैं बिकॉज मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी कैल्कुलेटिव वाला पार्ट होता है ना तो यहाँ पे वन आर आप मैथमेटिकल रीजनिंग को दें ऑल्सो वन एंड हाफ आर फॉर प्रैक्टिस

If you follow these tips, you will definitely qualify the cycle of net examination twenty twenty four Thank you so very much. be consistent in your studies and yes video achiilaho to do like do share the session with your friends as much as you can. Thank you so very much. stay connected for the next upcoming video. Bye, take care.